फॉर 24 आवर्स। गाइस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, इसमें आपको भी और हमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और राइट नाउ चैलेंज इज 12 और हम पूरे रूम में आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी हम कब तक यहाँ पर रह पाते हैं, क्या हम 24 आवर्स कंप्लीट कर पाएंगे। कमेंट डाउन बिलो। एंड आल्सो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा और पूरे 24 आवर्स हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, खेलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मनाएंगे। लेकिन इस चैलेंज का एक रूल है कि हम वॉशरूम के लिए सिर्फ एक बारी बाहर जा सकते हैं। तो पूरी गेम में हम सिर्फ एक बार, पूरे 24 आवर्स में बेसिकली हम सिर्फ एक बार ही वॉशरूम जाएंगे और वो भी फॉर लिमिटेड टाइम, दैट इज 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स में हमें वॉशरूम से जाकर वापस आना है। So guys, without wasting our time, let's get into the video. So guys, हमारे पास कोई चीज नहीं थी करने के, कुछ काम नहीं था करने का, तो हम कुछ गेम खेलते हैं। बोर्ड गेम बेसिकली, इसका नाम है लूडो। हम साइड पे यहाँ पे पिक्चर लगा रहे हैं, यहाँ पर वहां पर कहीं पर भी आप देखिए ना कि गेम की कैसी होती है। जिन लोगों ने खेली हुई है तो पता होगा कि ये गेम कैसी है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये इसका बोर्ड है जिस पे हम खेलते हैं। तो इस पे सेंटर में एक पूल है ये ब्लू कलर का, और साइड में सारे रूम्स हैं। तो रूम्स इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, लाइक डाइनिंग रूम, थिएटर रूम, लाइट रूम, सिनेमेट्री, बहुत सारे रूम्स हैं इसमें, हॉल वगैरह वगैरह। तो इसमें ना होता है कि एक बंदे, एक बहुत अमीर बंदे का मर्डर हुआ है, और हमें इस गेम को खेल के गेस करना है कि वो मर्डर कौन से बंदे ने किया है, कौन से वेपन से किया है एंड कौन से रूम में किया है। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे बंदों की डीटियां होती हैं। प्लीज हम यहाँ पे पिक्चर्स लगा लेंगे आपको क्या बंदे। हाँ, यहाँ पर कलरफुल होते हैं सारे, जैसे दिस इज येलो, दिस इज पर्पल, एंड यहाँ पर इनके नेम होते हैं जैसे रेड इज कैलेट, ग्रीन, व्हाइट, मस्टर्ड, प्लम, पीकॉक। तो इनके साथ इनके वेपन्स भी मिलते हैं कि उन्होंने कौन से वेपन। यहाँ पर आप वेपन्स की पिक्चर देख सकते हो, सारे वेपन्स हम आपको यहाँ पिक्चर में दिखा देंगे। और ये यहाँ पर इसके ऊपर रूम्स है, तो हमें एक एक रूम में जाके चेक करना है कुछ क्लूज के साथ ही कौन से रूम में किसने मर्डर किया है। और एंड में हम हमें नहीं पता होगा इसमें कौन से कार्ड कौन से बंदे ने किया होगा। ये एक क्लू लिखा है इसके ऊपर, कॉन्फिडेंशियल क्लू। हाँ, तो इसके अंदर कुछ कार्ड्स होते हैं, अभी तो हमने वैसे ही रखे थे। अपन जाए One eternity later. So guys, Lodo ki winner hai. Niyati. So guys, main hoon bahut achhi detective. Maine dhoondh liya ki kis kaun se bande ne kaun se room mein kaun se weapon ke saath murder kiya hai. Ab maine us bande ko jail mein bhi dal diya. So right now time is 1. We ate his dog hai. City ke game bahut badi hai. चलो सो गाइस अभी हम इस गेम को समेटते हैं और हम आपको 5 मिनट मिलते हैं। तो बाय 5 मिनट्स ले। A few moments later. Two hours later. So guys.
टाइम इज अराउंड 3 to 3:15 एंड हमारा लंच ये हमारा छोटा ब्रदर है वो हमें लंच पर आ गया था और ये है हमारा लंच की फैमिली आदमी एक्चुअली हमारी हमें कैमरा ऑन करना मुझे ये जो हमें चार्जिंग पर लगाना था क्योंकि हम चार्जिंग पर था चार्जर बज रही है उसको चार्जिंग से अभी भी लगाया हुआ और हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है एंड ये हमारे पास अपनी पानी की बॉटल्स एंड चने चावल एंड रोटी ब्लैक चने राइस एंड रोटी सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग हमने लंच कर लिया है बट अभी हम जस्ट अभी प्लेट्स यहाँ पे कॉर्नर पे रखी हुई हैं जस्ट लंच करके हटे हैं तो भाई सब मुझे थोड़ा डाइजेस्ट कर ले खाने को तो हम वॉक कर रहे हैं रूम के अंदर ही क्योंकि बाहर तो जाने से रहे सो लेट्स स्टार्ट रूम जो कर रहे हैं 24 आवर्स के लिए सो लेट्स स्टार्ट सो गाइस आफ्टर सो लॉन्ग मतलब 1 आवर तक हमारी एडिटिंग अभी खत्म हो चुकी है और अभी जस्ट हम एडिटिंग करके फिर फिनिश ही हुए हैं खत्म ही किए जितने वाले क्लिप्स बनाई थी और 24 रूम्स बने अब बस मैं उनको सेव कर लूं क्योंकि वो सेव नहीं हुई है तो बस मैं उनको सेव कर लूं तो गाइस अभी हमारा टाइम कितना हो गया है सो बेसिकली अभी हमने 3:45 स्टार्ट किया था एंड द टाइम इज 4:51 means it's around 5-10 minutes रहे टाइम का पता नहीं चला कि कैसे टाइम बीत गया इतनी अभी तो फिर भी हमारी कोई छोटी वीडियो एडिट हुई है बड़ी वीडियो एडिट करनी होती तो हमें लग जाते हैं 2-3 घंटे तो अभी तो अभी मैं 5 around 5 means 4:51 हुए हैं तो हमारी एक वीडियो एडिट हो चुकी है नाम नहीं बताएंगे तो अब हम थोड़ी सी रेस्ट लेंगे कि हम बहुत थक चुके हैं सो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम तो अब हम थोड़ी देर रेस्ट लेंगे टिल 5:30 और गाइस आपसे हम मिलते हैं 5:30 पर बाय टिल 5:30 सो गाइस रीडिंग हो चुकी है अब थक चुके हैं एंड मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उसमें मुझे ठंड लग रही थी मैंने भी नीचे से स्वेट शर्ट ग्रीन वाली पहन ली है एंड 5:30 के अराउंड अंधेरा हो जाता है ठंड हो जाती है तो मैंने फिर ये थोड़ा कम्फी गर्म सा पहन लिया एंड अब बुक रीड करके हमें नींद आ रही है गाइस एक्चुअली हम इसे ना सो के बता रहे हैं कि हम रूम में रह नहीं सकते वैसे हम ऊपर नीचे टापते रहते हैं कभी बाहर अंदर हाइकिंग करने तो अब हमारा इस बंद 4 दीवारों में बैठ बैठ के हमारा बुरा हाल हो रहा है तो अभी हम सोई जा रहे हैं अब हमें फिर से नींद आ रही है बुक रीड करके सो गाइस मिलते हैं आप अभी 5:30 हुए हैं 5:30 राउंड तो मिलते हैं आपको 7 बजे डिनर के टाइम डिनर के टाइम तो नहीं स्नैक्स के टाइम देखिए कितने बजे हम उठते हैं लगभग कहते हैं 7 ही उठेंगे वैसे तो बट बाकी पता नहीं सो चलो मिलते हैं आपसे 7 o'clock स्टे ट्यून्ड कौन है आ जाओ जो भी है दीदी मैं हूँ आ जाओ आ जाओ तो गाइस हमारा छोटू भाई है आपको हम फिर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं शर्मा बता दिया जो आ जा हां बैठो चावल लेके आया था भैया जी भैया सेंटर में आओ भैया आप सेंटर में आओ गाइस आप देख लीजिए ये बहुत ज्यादा शैतान है भी आपके सामने बहुत शरीफ बन रहा है इधर आके बैठ हमारे बीच में बताओ तुम्हारा नाम क्या है बताओ
Devik. So guys, यार इधर देख के तो पर्दा टूट गया है। ओके कॉर्नर से उतर जो क्या प्रोडी कॉर्नर से उतर के सेट कर उसको वहां से हमारा टेंट टूट गया है। हमारी कैनोपी उसको पीछे छोड़ दे यार। कर क्या रही है गाइस, हमने इस तरह लाइट्स उतार दी हैं, हमने सुबह उतार दी थी लाइट्स। मेरा बेचारा तेरी साइड ही टूटी है। मेरी साइड से कैमरा भी टूट गई सब। अभी जब कैमरा बंद होएगा तो फिर इतना हाल देखने वाला होगा। हम कभी ना हम अभी तो ये सामने बैठा है, ये स्टैंडिंग करे जाएंगे कैमरे के सामने। गाइस जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना मैं जरूर कैमरा ऑन करके इसकी शैतानी आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी सपोज हम बीच में सो रहे थे, अभी हम जब सो रहे थे तो इसी ने हमें उठाया 8 बजे आके। ये चंदन उधर वो उधर पिल्लो ऊपर कहता मैं कहानी आ गई है खाना नहीं खाना चलो गाइस अब हम तीनों चिपके सोने वाले हैं। चलो मैं तो लेटने लगी हूँ पहले ही, बाकी तुम दोनों लेटो चाहे ना लेटो। तो डेविड और तनिषा दीदी के ऊपर लेटे जाते हैं, ऐसे सोने वाले सारे। ऐसे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हमें आ रही है तो मैं नहीं आ रही तो तुम हमें छोड़ के भी जा सकते हो, निकल जाओ। चलो गाइस मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। अगर रात को कोई शूट लेने शॉट लेने वाला हो तो हम जरूर लेंगे। 8 मिनट लाइट कौन ऑफ करेगा बेबी, कर दिया हो हमारे पास एलेक्सा जो है नहीं। एलेक्सा ऑफ द लाइट। सो लाइट तो मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, तो मैंने दूसरी छोटी लाइट ऑफ कर दी है। यार छोटी लाइट तो जगाओ, कैमरा कैसे दिखेगा। ओहो ये वाली ठीक है, लैंप ठीक है, लैंप को आगे कर लो। नहीं नहीं वो छोटी सी लाइट ठीक है। तो गाइस धार बत्ती ये लो ठीक है। मत कर गाइस अब येलो लाइट आ गई है, लैंप हमने साथ में सामने रख ली है। एक मिनट लैंप बाई चांस अगर कुछ उठने वाला हुआ तो हम उठ कर ले सकते हैं। अगर कोई रात को शॉट लेने वाला होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम कैसे लेटे हुए हैं। यार मेरे बिना ही तुमने शुरू कर दिया। सो अब उस लेटते हैं, चलिए गाइस सोते हैं। अगर रात को हम में से कोई भी जागा तो आपको जरूर मैं उठ जाऊंगी, मैं शॉट ले लूंगी अगर तेरे लेने वाला हुआ तो। अरे तू जागी तो सबसे ज्यादा वैसे यही सोती है। अच्छा बताओ हाँ मैं अभी। तो गाइस गाइस मिलते हैं आपको मॉर्निंग में 12 o'clock। स्ट्रेट ट्यून्ड अगर कोई रात को कोई शॉट लेने वाला हो तो 12 o'clock नहीं कितने बजे उठेंगे, सुबह मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। सुबह 9 o'clock तो उठना ही पड़ेगा मैडम जी। मुझे 7 o'clock उठना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस 7:30 होती है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस 10 p.m. 10 a.m. 10 p.m. होती है और मेरी खत्म होती है 1। आपको जाना है, नींद नहीं आ रही मुझे, तुम लोग भी सो ले लो, तुम सो जाओ, मेरा मन कर रहा है तो मैं सोने न दूँ। आपको सोना ही पड़ेगा। एक तो हम दो अपने भाई को हम दबोच के सो जाएंगे ताकि ये मैं दर्द कर पर देखो। तो गाइस मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, स्टे ट्यून्ड। सो गुड नाइट। आपको हमारी अभी एनर्जी दिख रही होगी लेकिन हमें बहुत नींद आ रही है। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, मेरा छोटा बच्चा तू मेरा बच्चा तू सो लास्ट।
फिर सुबह आपको मिलते हैं अपनी गंदी शक्लों के साथ। सो गुड नाइट गाइस। गाइस आप देख सकते हैं ये कैसे सोए हुए हैं, थोड़ा कैमरा ब्लर आ रहा है जी, आप देख लीजिए कैसे हम सोए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जगह थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं सिर्फ इतनी सी जगह में थी, यहाँ देख कर दोनों सोए हुए हैं। अभी अभी अराउंड टाइम कम ही हुआ है। सो गाइस अभी मैं आपको बाहर का माहौल दिखाती हूँ, बहुत ही ठंड हो गई है। मैं दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। गाइस ये देखिए आपको मैं आसमान दिखाती हूँ। चलिए गाइस हम उतर चलते हैं, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये देखिए मैं, हाँ यार शॉट ले रही थी उठने का, आपकी शक्लें दिखाई मैंने। मैं तो पढ़ने लगी हूँ। ये 4:30 हो रहे हैं मॉर्निंग में, 5:30 तक हो रहा है। गाइज आप देख लीजिए मैम को वॉशरूम आ गया है। The next morning. Okay, one, two, so guys, एक्चुअली रात को बैटरी लो हो गई थी कैमरे की, तो हमें रात को ही अपनी सारी कैमरा ऑफ करना पड़ा। अभी हम मॉर्निंग में उठ गए थे, टाइम इज 7 यस और अभी हमारी क्लास 7 to 7:15 हुआ, तो हमारी क्लास है अभी टिल 9, मेरी 9 तक है, देन हिस्ट्री है टिल 1, 10 to 1। तो गाइस अभी चैलेंज, सो गाइस अभी इसका होने वाला है क्लासेस लगेंगी। हम मैं तो पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन वैसे बेड पे लेटी हुई थी, मेरे आँखों को आपको देख पा चल गया होगा कि मैं बहुत देर की उठी हुई हूँ, मेरी आँख में बिल्कुल भी नींद नहीं है। मैंने उठकर पानी पी लिया था और मैं रूम में ही वॉक कर रही थी। वो सॉरी मैं आपका कैमरा जब चार्ज हो रहा था उसकी बैटरी चार्ज लगाने गई थी, एंड हमारा लिविंग इन रूम फॉर 24 आवर्स था, तो मैंने कुछ घंटे बचे हैं। और गाइस आपको ना जब 6 o'clock हमने यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा दी थी, बड़ा फेरी वाली फीलिंग आई रूम में रह रहे हैं ना, क्योंकि रात को हम वैसे लाइट लगा के सोते नहीं, तो हल्की हल्की लाइट्स। रात को लाइट जगाई थी, आपने देखा होगा कि जब मैंने इनका दिखाया था, वो छोटा भाई यहाँ पे सो रहा था, वो चला गया सुबह सुबह, तो वो हमने आपको बताया था। मैंने उठकर खुद लाइट ऑन की थी, ये वाली लैंप ऑन किया था, तो आपने देखा था सारा रूम, मैंने आपको बालकनी भी दिखाई थी। सो गाइस अभी हम लगाते हैं अपनी क्लासेस और मिलते हैं आपको हमारी क्लासेस खत्म होने के बाद, स्टे ट्यून। सो गो हेलो गाइस हाउ आर यू। सो गाइस मेरी क्लासेस खत्म ही हुई है रिसेंट, अभी सामने चार्ज लगा हुआ था। सो गाइस अभी जब इसकी टर्न थी क्लासेस लगाने की, मैं जाग रही थी, अब ये मैडम सो रही है आराम से, अब मैं इसको उठाने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ 1 घंटा रह गया हमारे चैलेंज को खत्म होने के लिए। सो गाइस इसको मैं उठाती हूँ। सो गाइस ये चैलेंज भी हमने कंप्लीट कर दिया है, एंड ये हमारी सेकंड सीरीज, एंड यस ये हमारा सेकंड 24 आवर्स की सीरीज थी, फर्स्ट तो मेक ओवर वाली थी ना, हाँ जी वो भी हमने कंप्लीट की थी, ये भी हमने कंप्लीट की। एंड इफ यू वांट लिविंग इन अ टेंट फॉर 24 आवर्स तो कमेंट बिलो, क्योंकि हमने अभी अभी नया सा टेंट लिया, एंड वी आर थिंकिंग टू मेक लिविंग इन अ टेंट फॉर 24 आवर, एंड इफ यू वांट दैट सो कमेंट्स बिलो, वी विल श्योरली मेक दैट वीडियो एंड पोस्ट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके सो गाइस अभी सिर्फ 1 मिनट ही रह गया है। ओके वेट अभी 11:59 आपको उल्टा दिख रहा, उल्टा दिख रहा होगा, इट्स 11:59 एंड ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट टू 12, सो वेट
वेट ये देखो ये वॉलपेपर था इसका पहले गंदा सा तो ये इतना सुंदर वॉलपेपर अच्छा चल फोन तो खोल ओके सो इट्स अभी भी 59 हुए हुए हैं 59 ही चल रहा है यस 59 जब 12 होंगी फिर पागल हो चुकी हुई है बाहर को भाग गई है कहती सारी विंडोज ओपन कर दी है शी इज टोटली गॉन मैड ये देखो सारी विंडोज ओपन कर दी है इसने गाइज बालकनी भी खोल दी और ये बालकनी में मैडम खड़ी है मेरे बाल देखो सो गाइस हम यहाँ पे ही अपना चैलेंज एंड करते हैं सो अगर आपको लिविंग इन रेंटिंग फॉर 24 आवर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करो सो गाइस तब तक के लिए आप उतनी देर हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड सो गाइस आल्सो कमेंट कर मिलो कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय हमें बहुत जल्दी पड़ी हुई है नहीं जाने की क्योंकि हमने पीछे नहीं गए